सात दिनों से चल रहा भीषण युद्ध अब तमाम शहरों के कब्जे की खबरों के बीच में अब दुनिया भर में नया संदेश और संकेत दे रहा है। रूस ने कल खार्किव कीव के ऊपर हमले तो जारी रखे ही, साथ में ही यूक्रेन के एक बड़े शहर खेरसान शहर को कब्जे में कर लिया। इस बात की पुष्टि खुद यूक्रेन ने भी की है। यूक्रेन ने कहा है कि खेरसान शहर पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है और इस बात की पुष्टि स्वयं उस शहर के मेयर ने भी की है। जयपुर झान नाम के एक शहर को की रूस की सेना ने कब्जे में कर दिया है और लगातार कीव में, खार्किव में और ओडेसा में जो बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं, सेना है, वो लगातार चारों तरफ से कब्जे में करने का प्रयास कर रही हैं। लगातार यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन फिर भी रूस की जो सेना है अब घुसपैठ की पूरी कोशिशें हैं उसमें सफल साबित हो रही है और लगातार चाहे खेरसान हो, चाहे खार्किव को खंडहर बनाना हो, चाहे कीव के ऊपर कब्जे की पूरी तैयारी हो, रूस आगे बढ़ता चला जा रहा है और रूस की जो सेनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। वहीं इन सब के बीच में क्वाड देशों की भी आज बैठक है। क्वाड देशों में खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तमाम जो मुल्क जो देश इस क्वाड संगठन के जो सदस्य देश हैं आज सितंबर 2021 के बाद अब अपनी इस साल की पहली बैठक को करने जा रहे हैं। तो देखना होगा इस बैठक में भी क्या रूस और यूक्रेन की ही युद्ध की पूरी जो बातचीत है वो छाई रहेगी या अन्य कोई रणनीतिक या साझेदारी को लेकर इन देशों के बीच में कोई बातचीत जारी रहती है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं पिकेट लाइंस।